Hello and welcome to the new video tutorials of Hotspot Biology with Tahir Awan के साथ। तो कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्यारे प्यारे बच्चे। देखिए जो 11th में आए हैं, सो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जो तूफ़ानों में पलते हैं वही तो ज़िंदगी को बदलते हैं और ज़िंदगी में आगे निकलते हैं। तो बेटा देखिए, डरने की कोई टेंशन की बात नहीं है, लॉकडाउन है, घर बैठिए, आराम से पढ़िए। सो अपनी अपनी कॉपीज़ को निकाल लीजिए और आज का वीडियो सेशन आपके लिए बना है, साथ साथ में नोट डाउन कीजिए और साथ साथ में समझिए, राइट? सो बहुत सारे बच्चे आप में से गलती क्या कर रहे हैं कि आप सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन नोट्स नहीं बना रहे साथ साथ में। तो जो मैं साथ साथ में चीज़ें बोलता हूँ, देखिए जो बोर्ड पर मैंने लिखा है ये इनफ नहीं है, अब जो क्योंकि बोलते समय मैं बहुत सारी ऐसी बातें बोलता हूँ जो आपको नोट करनी पड़ती हैं, सो उनको भी नोट करिए और इसको भी आप अच्छे से देखिए। तो चलिए आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। पिछले वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की, कैटेगरी नंबर 1 यानी कि लेवल नंबर 1 स्पीशीज को हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बाद वाली टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। सो जो बच्चे न्यू है, थोड़ा सा रिवाइंड करवा देता हूँ कि टोटल हमारे पास 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी। कौन कौन सी थी, कोड याद कीजिए, कीप, पॉड्स, क्लीन और फैमिली, गेट्स, सिंग। सो यहाँ से शुरू किया था, दिस वाज द लोएस्ट रैंक, दैट इज स्पीशीज, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो स्पीशीज हमने डिस्कस कर लिया है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके आगे की कैटेगरीज। तो तैयार हो जाइए आप सब। तो स्पीशीज के बाद जो सेकेंड रैंक आता है वो है जीनस। तो देखिए बच्चा आपको क्या करना है, जब भी आप इन चीज़ों को रिमेम्बर करने की कोशिश करें, याद करें, तो इसके पीछे कोई भी रट्टे वाली बात नहीं, इट इज़ टोटली ए कॉन्सेप्ट। तो जैसे ही आप एक ट्रिक आपको पहले यहाँ पे बता देते हैं हम आपको कि आपको किस तरह से चलना है। मान लीजिए ये स्पीशीज होता है, सबसे पहला जो रैंक था, सो आपको बस एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखनी है, स्पीशीज का जो एंसेस्टर होगा उनको कहा जाएगा जीनस। ग्रुप ऑफ स्पीशीज विल फॉर्म ए जीनस, बात समझ में? जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, यानी कि बहुत सारे जब स्पीशीज मिलेंगे तो बनेंगे जीनस। इन द सेम वे जब बहुत सारे जीनस बनेंगे तो बनेगी, क्या बनेगी हमारे पास, बनेगी फैमिली, यानी कि द ग्रुप ऑफ जीनस इज नोन एज फैमिली। अब हमें इसको क्या करना है, रिलेट करना है। तो जब भी आप टैक्सोनॉमिक कोई भी किसी कैटेगरी को डिफाइन करें, आपको एक चीज का याद रखना है कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी से पहले कौन सा कैटेगरी आ रहा है। सो इन द सेम वे जीनस से पहले कौन सी कैटेगरी थी, स्पीशीज। तो जीनस का डेफिनेशन कुछ इस तरह से हुआ कि स्पीशीज का जो असेंबलेज होता है उसको कहा जाता है जीनस। नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीशीज एंड जीनस? सबसे जो बड़ा डिफरेंस होता है जीनस और स्पीशीज के बीच में कि जो जीनस है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बड़े सारे स्पीशीज को मिलकर बनेगा एक जीनस, इसका मतलब ये है कि वो जो पर्टिकुलर जीनस है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे करेक्टर्स कॉमन होंगे जो उन सारे स्पीशीज में हैं। सो इसका डेफिनेशन कैसे बना, जीनस इज एन असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, इट इज एन असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, यानी कि बहुत सारे एक दूसरे से रिजेंबल करते हुए जब स्पीशीज मिलते हैं वो बनाते हैं जीनस। और उनकी खास बात क्या होती है कि वो जो सारे स्पीशीज है दे रिजेंबल वन अनदर, वो एक दूसरे की तरह दिखते हैं इन ए सर्टन, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट उसी की तरह ही दिखेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट जो दूसरा कोई स्पीशीज होगा वो पहले वाले की तरह एग्जैक्ट दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इन सर्टन कोरिलेटेड करेक्टर्स, कुछ करेक्टर्स उसमें कॉमन होंगे, कुछ करेक्टर्स, सारे के सारे नहीं। अब ये जो कोरिलेटेड करेक्टर्स हैं ये सिमिलर भी हो सकते हैं, कॉमन भी हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे आप कह सकते हैं पूरी तरह से सिमिलर नहीं होंगे, राइट? ये आ गया इसका पहला डेफिनेशन। अब जो इसका दूसरा डेफिनेशन है ये भी उसी तरह ही है, देखिए, इट कंटेन वन और मोर रिलेटेड स्पीशीज। एक चीज हमेशा याद रखिए, जीनस किसी भी टैक्सोनॉमिक लेवल कैटेगरी के अगर आप
रैंक को रैंक के ऊपर वाली तरफ आ रहे हैं, यानी कि हायर रैंक की तरफ आ रहे हैं, तो जो वो हायर रैंक होगा ना वो लोअर रैंक का असेंबलेज होगा। तो जीनस हायर रैंक है किसका, स्पीशीज का, यानी कि जो जीनस होगा इट इज़ एन असेंबलेज ऑफ स्पीशीज जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। इसी तरह से सो इट कंटेन वन और मोर को रिलेटेड स्पीशीज, यानी कि एक जैसे थोड़े बहुत मिलते जुलते स्पीशीज के असेंबलेज को क्या कहा जाएगा, जीनस। होप कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नंबर थ्री, इट एक्ट एज ए कॉमन एंसेस्टर फॉर स्पीशीज। देखिए हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से देखना। अब मैंने क्या बोला कि ये बहुत सारे स्पीशीज हैं, ये क्या है, ये मान लीजिए बहुत सारे स्पीशीज हैं। अब जीनस का डेफिनेशन क्या कहता है कि बहुत सारे स्पीशीज को मिलकर बनता है एक जीनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सारे स्पीशीज आए हैं वो इस जीनस से आए हैं, तभी तो इस जीनस के अंदर इन सब के कैरेक्टर्स हैं। वास्तव में एवोल्यूशन में आपने याद करिए पढ़ा होगा एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स, तो एक में क्या होता था, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन सेम स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा उसको रिलेट करिए कि देखिए इतने सारे स्पीशीज को मिलके बन रहा है एक जीनस, यानी कि इस जीनस में इन सारे स्पीशीज के कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन ये जीनस एग्जैक्ट इनकी तरह नहीं हो सकता है, दैट इज द डिफरेंस। और जो मैंने कहा इन सर्टेन कोरिलेटेड, उसकी तरह एग्जैक्ट उसकी तरह नहीं। सो इसीलिए देखिए ये जो जीनस है, यानी कि इसी से ही, इसी का ही एवोल्यूशन हुआ और इसी के एवोल्यूशन से ये सारे के सारे स्पीशीज क्या होंगे, डेवलप। तो इन सबका पूर्वज कौन हुआ, इन सबका पूर्वज हुआ ये जीनस। तो पूर्वज को क्या कहा जाता है, एंसेस्टर। क्या कहा जाता है, एंसेस्टर। एंड दैट ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी जिसमें हम एंसेस्ट्रल स्टडी को पढ़ते हैं उसको फाइलोजेनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइलोजेनी। इस चीज को आप नोट कर लें। सो देखिए सबका स्पीशीज का जो कॉमन एंसेस्टर है वो कौन हुआ, जीनस। बात समझ में आई, सो इट एक्ट एज ए कॉमन एंसेस्टर फॉर स्पीशीज, आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। वही सिंपल, वही मतलब एक ही डेफिनेशन को चार अलग अलग तरीके से बताया गया है कि जीनस क्या है, इट इज एन असेंबलेज ऑफ क्लोजली रिलेटेड, यानी कि जो क्लोज रिलेशन में जिनका आपस में संबंध है स्पीशीज का, वो सारे के सारे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल जैसे आपके घर में जितने भी मेम्बर्स हैं, तो देखिएगा आप सबकी जो, आप सबका जो फेस है वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत रिजेंबल करता होगा, जो आपके भाई बहन हैं या किससे, आपके मम्मी पापा से। अब जो आप सारे हैं, अब आप, मैं बोलूँ कि कोई एक ऐसा पर्सन बताइए मुझे कि जिससे आपके ये सारे के सारे कैरेक्टर्स मिलते होंगे, यानी कि आपके दादा दादी, तो दादा दादी की आप सारे प्रोडक्ट हैं, बस नहीं, तो वहाँ पे दादा दादी इस केस में क्या हुए, जीनस हुए, और आप सब क्या है, उनके स्पीशीज जिनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है। आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बायोलॉजी में जब तक एग्जांपल्स नहीं है आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो देखिए तीन हमारे पास प्लांट्स हैं, वन इज टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। तो ये तीनों जब हमने पिछला सेशन डिस्कस किया था, हमने बताया था ये तीनों अलग अलग स्पीशीज हैं। अब इनका स्पीशीज क्या, चलिए देखिए। सो जो टोमेटो का स्पीशीज है दैट इज लाइकोपर्सिकम। बच्चे बोल रहे होंगे कि इतना डिफिकल्ट नेम है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इसका नेम है लाइकोपर्सिकम, इसमें लाइकोपीन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, इसलिए इसका नाम लाइकोपर्सिकम है। उसके बाद जो ब्रिंजल है, ब्रिंजल की स्पीशीज का नाम है मेलनजीना, मेलनजीना, राइट। वैसे ही पोटैटो की स्पीशीज का नाम है ट्यूबरोसम, राइट। अब इन सबका जो जीनस है, ये जो सारे के सारे प्लांट हैं, ये किसी एक ही प्लांट के ओरिजिन है, बात समझ में आई। सो इन सबका जो जीनस है दैट इज सोलेनम, बात समझ में आई। सो अगर आपको पूछा जाए तो फिर टोमेटो का नाम क्या हुआ, तो बस वही आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर लगाना है, तो पोटैटो का नाम क्या हो गया, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। इन द सेम वे ब्रिंजल का नाम क्या हुआ, सोलेनम मेलनजीना। इन द सेम वे पोटैटो का नाम क्या हुआ, सोलेनम ट्यूबरोसम। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये अलग अलग स्पीशीज थे, क्या थे, अलग अलग स्पीशीज थे, लेकिन इनका एंसेस्टर कौन है, सोलेनम। यानी कि सोलेनम में इन तीनों के कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं,
तो अगर मैं आपको चलो थोड़ा सा एक मोटे तौर पे बता देता हूँ कि इन तीनों में इनकी कौन से कैरेक्टर्स मिलते हैं, आप क्या करना, आपने टोमेटो का फ्लोर लेना है, ब्रिंजल का फ्लोर लेना है और पोटैटो का भी फ्लोर लेना है। तो फ्लोर के बाद आपने देखा होगा कि जो ब्रिंजल और पोटैटो और टोमेटो है इसके ऊपर तो फ्रूट आ जाता है, लेकिन पोटैटो को कौन सा फ्रूट होता है? तो जब पोटैटो पूरी तरह से मैच्योर कर जाता है इसका प्लांट, तो इसके अबव द ग्राउंड के सरफेस के ऊपर एक छोटा सा फ्रूट आता है, उसको आप देखिएगा। तो आप देखेंगे इनका जो फ्रूट होता है उसमें एक कॉमन चीज क्या होती है, अगर आप देखेंगे बड़े ध्यान से, तो यहाँ पे चलिए मैं टमाटर बनाता हूँ पहले। आप ये चीज डेफिनेटली ऑब्जर्व कर रहे हो, देखिए आपको साइंस कितने अच्छे से समझ में आएगी। लेट अस सपोज दिस इज टोमेटो, तो क्या होता है इन केस ऑफ सोलनम, इन तीनों में कॉमन चीज आप देखिएगा कि इनके जो लीव्स होते हैं दे आर अबव द फ्रूट, फ्रूट के साथ ऊपर वाली साइड इनका लीफ अटैच रहता है, लीफ यानी कि जिनको सेपल्स कहा जाता है, देखिएगा जरूर और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब चलिए बात कर लेते हैं एनिमल्स की एग्जांपल्स की। तो तीन एग्जांपल्स हमने कोट किए हैं यहाँ पे, लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। तो लायन का स्पीशीज क्या है? लियो, राइट। इन द सेम वे टाइगर का स्पीशीज क्या है? टिग्रिस। और लेपर्ड का स्पीशीज क्या है? पार्डस, पार्डस। सो इन तीनों का जो जीनस है वो है पैंथेरा। तो मुझे आप बताइए कि इस लायन का साइंटिफिक नेम क्या हुआ? पैंथेरा लियो। अब मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, यानी कि इन तीनों का जो एंसेस्टर है वो कौन है? पैंथेरा। अब देखिए जो कैट है, कैट इन तीनों से थोड़ी बहुत क्या है, एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, टोटली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। इसीलिए देखिए कैट का जो जीनस है वो क्या है? फेलिस। तो कैट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका। सो डोमेस्टिका क्या है? कैट का स्पीशीज नेम, और कैट का जीनस क्या है? फेलिस। इन द सेम वे इन तीनों का जो जीनस है वो क्या है? पैंथेरा। इनको आप कॉपी पे जरूर नोट करें। तो ये हमने बात की स्पीशीज की, जीनस की। तो अब हम चलते हैं द नेक्स्ट रैंक हायर टू द रैंक ऑफ जीनस, दैट इज फैमिली। तो देखिए बेटा जी, जब आपको डेफिनेशन याद करने के लिए बोला जाएगा ना, आपको केवल एक डेफिनेशन याद करना है, और वो किसका याद करना है? जीनस का। बस आपको अगर जीनस का डेफिनेशन आ गया तो आपको पूरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, जीनस किसको मिला के बनता है? बड़े सारे स्पीशीज को। सो इन द सेम वे जब हम फैमिली की बात करेंगे तो जीनस की बात क्या आता है? फैमिली। सो इन द सेम वे बड़े सारे जीनस को मिला के बनती है एक फैमिली। इन द सेम वे उसके बाद जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होगी, फैमिली के बाद जो आएगी बड़ी सारी फैमिलीज को मिला के, इसका जो नेक्स्ट रैंक होगा वो बनेगा। सो देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने ऊपर डेफिनेशन लिखा है इसी से ही इसका डेफिनेशन बनाते हैं। सो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया फैमिली, हालांकि मैंने उधर भी लिखा हुआ है, लेकिन सिंपल करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं फैमिली, राइट। सो क्या लिखना है? फैमिली इज एन असेंबलेज ऑफ रिलेटेड जीनस। क्या लिखना है यहाँ पे? रिलेटेड जीनस। बाकी सारा का सारा डेफिनेशन सेम। ऐसे ही इट कंटेन वन और मोर रिलेटेड, यहाँ पे लिखना है आपको जेनरा, कोई यानी कि जीनस। इन द सेम वे इट एक्ट एज ए कॉमन एंसेस्टर फॉर वर्ड जेनरा, यानी कि देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ बड़े सारे स्पीशीज को मिला के जीनस लिखा था, इन द सेम वे बहुत सारे जीनस को मिला के बनती है एक फैमिली। तो अब आप मुझे बताइए कि इनका एंसेस्टर कौन हुआ ये फैमिली। अब जो ये फैमिली होगी इसके अंदर इन जीनस के कुछ ना कुछ कॉमन करेक्टर्स जरूर होंगे, तभी तो वो उनका एंसेस्टर हुआ ना, उनका पूर्वज हुआ ना। बात समझ में आई? सो इन द सेम वे फैमिली इज एन एग्रीगेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड, क्या जाएगा यहाँ पे? जेनरा और जीनस, राइट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो वहां पे मैंने लिखा, देखिए इट इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो जब हम इसका एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं, सो प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फैमिली का एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं हम इन केस ऑफ प्लांट्स। तो
तो देखिए प्लांट्स में जब हम फैमिली पे डिस्कशन किया जाता है तो प्लांट्स के दो कैरेक्टर्स को लिया जाता है। पहले कैरेक्टर्स हैं वेजिटेटिव और दूसरे कैरेक्टर्स हैं उसके रिप्रोडक्टिव। अब आप बोल रहे हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स वो होते हैं जो वेजिटेटिव आप कह सकते हैं, जिनका रिप्रोडक्शन में कोई भी हाथ नहीं होता है। यानी कि प्लांट का वो फेज जब हम उसको ग्रो करते हैं और ग्रो करने से लेके जब तक उस पर फ्लावर्स ना आ जाएं, जब प्लांट पे फ्लावर्स आ जाएंगे तो फ्लावर्स क्या है उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। सो वो जो फेज होगा उसके राइट फ्रॉम द बर्थ टिल द फ्लावर स्टेज, दैट इज ए वेजिटेटिव फेज। फिर जब उस पर फ्लावर्स आ जाते हैं, क्योंकि फ्लावर्स क्या है प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव फेज। सो इन्हीं दो फेज को लेके डिस्कस किया जाता है। तो जैसे कि देखिए हमने आपको बताया कि जब हमने जीनस की बात की तो इन ये जो तीनों प्लांट्स थे इनका जो जीनस था वो क्या था, सोलनम। सो इन द सेम वे सोलनम पेटूनिया एंड दतूरा, फिर से बोल रहा हूँ सोलनम पेटूनिया दतूरा, राइट। सो ये तीनों क्या है हमारे पास, दे ऑल आर जीनस, ये सारे के सारे क्या है जीनस। और इनका जो कॉमन फैमिली है, जिस फैमिली से जिस कुंबे से ये बिलोंग करते हैं, उस फैमिली का नाम है सोलनेसी। क्या नाम है उसका, सोलनेसी। सो आपको मैं एक होम असाइनमेंट देता हूँ, आपने क्या करना है सोलनेसी के मुझे और जीनस के नाम बताने हैं कमेंट सेक्शन में, राइट। वैसे ही अब बात कर लेते हैं एनिमल्स की। तो देखिए मैंने बोला था कि कैट लॉयन, ये आप कह सकते हैं कैट और टाइगर का जो जीनस था वो क्या था, डिफरेंट डिफरेंट। तो अब देखिए कैट और अगर मैं आपके सामने कैट रख दूं और इन द सेम वे अगर मैं टाइगर रख दूं तो आपको उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज दिखेंगी। पहली सिमिलैरिटी क्या दिखेगी कि कैट का साइज छोटा होता है। दूसरी सिमिलैरिटी क्या दिखेगी कि जो कैट है इट इज़ ए पेस्ट एनिमल, लेकिन टाइगर के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। सो इसीलिए अब जो कैट टाइगर की जो फैमिली थी, सॉरी आप कैसे ऐसे कह सकते हैं कैट और टाइगर का जो जीनस है अब वो सेम फैमिली में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करेक्टर्स उनके मिल रहे हैं। तो दैट्स व्हाई कैट की फैमिली कौन सी थी, फेलिस और लायन टाइगर और लेपर्ड का फैमिली कौन सा, सॉरी जीनस कौन सा था, पेंथेरा। सो ये दोनों कौन से, सॉरी कैट का जीनस था फेलिस और टाइगर का जीनस कौन सा था, पेंथेरा। सो दे बिलोंग टू ए सेम फैमिली दैट इज फेलिडेई। सो ये दोनों क्या है जीनस। तो बेटा देखिए क्या है नीट में, क्योंकि ये टिपिकल एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी में भी कोट की गई हैं, तो नीट में इनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो इनको प्लीज़ नोट डाउन करिए आप, राइट। अब देखिए अब एक और टिपिकल एग्जांपल की हम बात करते हैं। अब देखिए जब मैं कैट और डॉग की बात करता हूँ, अब कैट और टाइगर में तो सिमिलैरिटीज आ गई है ना, लेकिन जब मैं बात करता हूँ कैट और डॉग की तो कैट और डॉग के फेस में देखिए अब कितनी सारी डिससिमिलैरिटीज हैं, वैसे उनके हैबिट्स में कितनी सारी डिससिमिलैरिटीज हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं जैसे कि वो कार्निवोरस हैं, राइट। अब क्योंकि कैट और डॉग का जो फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस है वो क्या है, अलग अलग है, इसीलिए कैट और डॉग का जो फैमिली है वो डिफरेंट डिफरेंट है। दैट इज कैट की फैमिली है फेलिडेई और डॉग की फैमिली कौन सी है, कैंसिडेई। तो देखिए डॉग के और मिलते जुलते मेंबर्स कौन से हैं, जैसे वुल्फ को देखा होगा आपने, फॉक्स को देखा होगा, तो वुल्फ और फॉक्स किसकी तरह दिखते हैं, डॉग की तरह दिखते हैं ना, इसीलिए वो सारे के सारे कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैंसिडेई, और कैट की फैमिली कौन सी है, फेलिडेई, राइट। सो इसके बाद हम अब हम डिस्कस करते हैं कि जो फैमिली के बाद वाला हाईएस्ट रैंक है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का लेवल नंबर 4। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है स्पीशीज, जीनस एंड फैमिली। तो फैमिली के बाद जो नेक्स्ट रैंक आता है, नेक्स्ट हायर रैंक आता है वो है ऑर्डर। तो देखिए
डेफिनेशन को आपको सेम रखना है, केवल आपको वहां पे अगर हायर रैंक है तो हायर रैंक की डेफिनेशन पे लोअर रैंक को रिप्लेस करते जाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ। तो जिस तरह से मैंने बताया था इससे पहले जब हमने फैमिली के बारे में डिस्कस किया था, तो फैमिली क्या थी, इट वॉज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड जीनस। सो इन द सेम वे ऑर्डर इज एन असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, राइट, रिलेटेड फैमिलीज, बाकी का डेफिनेशन सेम रहेगा। और यहाँ पे भी देखिए ऑर्डर कंटेन वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। तो देखिए आप कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ इजी है। इस जब आप रैंक को स्टडी कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था वो था स्पीशीज, जिसको समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी केवल डेफिनेशन याद रखिए और एग्जांपल याद रखिए कि तो कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है, ये सबसे इजीएस्ट पोर्शन है, राइट। वैसे ही सो ऑर्डर एक्ट एज ए कॉमन एंसेस्टर फॉर, चलिए मेरे साथ साथ में आंसर दीजिए, इट एक्ट एज ए कॉमन एंसेस्टर फॉर व्हाट, फैमिली, फैमिलीज। ऑर्डर इज एन एग्रीगेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, ओके। तो चलिए एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो पिछले एग्जांपल में जब हम फैमिली की बात की थी तो हमने बात की थी सोलनेसी एक फैमिली है। तो देखिए अब सोलनेसी का जो ऑर्डर है वो है पॉलीमोनियल्स, क्या नाम है, पॉलीमोनियल्स, राइट। सो देखिए सोलनेसी के साथ साथ कॉनवोल्यूलेसी, कॉनवोल्यूलेसी, उसके बाद बोरेजिनेसी, उसके बाद हाइड्रोफाइलेसी, हाइड्रोफाइलेसी, ये सारी फैमिली भी इसी ऑर्डर से बिलोंग करती हैं, राइट। तो अगर आपको ये इतना सारा याद नहीं रह रहा है तो आप केवल दो को भी याद रख सकते हैं कि एग्जांपल के तौर पे, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कंपल्शन नहीं है, राइट। उसके बाद फेलिडे मैंने बताया था किसकी फैमिली है, कैट की, कैनिडे किसकी फैमिली थी, डॉग की, इनका जो ऑर्डर है दैट इज कार्निवोरा, ये दोनों क्या है, कार्निवोर्स हैं। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम फैमिलीज की बात कर रहे थे तो प्लांट्स की देखिए, जो जितने भी फैमिलीज हैं, देखिए सोलनेसी, कॉनवोल्यूलेसी, बोरेजिनेसी, हाइड्रोफाइलेसी, सो इन सब में क्या है, इनका सुफिक्स देखिए आप। सुफिक्स क्या होता है, सुफिक्स कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो बाद में लगाया जाता है, स्पेलिंग के बाद में, वर्ड के बाद में लगाया जाता है, बात समझ में। सो देखिए इन सब के जो सुफिक्स है वो क्या है, ए सी ई ए ई, इन केस ऑफ प्लांट्स ए सी ई ए ई, ए सी ई ए ई, ए सी ई ए ई। सो इन केस ऑफ प्लांट्स फैमिली के लिए सुफिक्स कौन सा यूज होता है, ए सी, आपको नीट में पूछा जा सकता है। इन द सेम वे सब फैमिली के लिए सुफिक्स यूज किया जाता है ओइडे, ओ आई डी ए, राइट। सो इन द सेम वे अब आप एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों फैमिलीज हैं, कैनिडे और फेलिडे। तो देखिए इन दोनों का सुफिक्स क्या है, आई डी ए, आई डी ई ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, बात समझ गई। आप इसको आई डी ए ई भी लिख सकते हैं और आई डी ई ए ई भी लिख सकते हैं, ये इसका सुफिक्स है। इन द सेम वे सब फैमिली के लिए सुफिक्स यूज किया जाता है इन, राइट। अब अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर देखिए प्लांट्स में ऑर्डर कौन सा है, एल्स, पॉलीमोनियल्स। सो प्लांट्स के लिए जो सुफिक्स यूज किया जाता है इन केस ऑफ ऑर्डर वो यूज किया जाता है एल्स, ए एल ई एस। लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, तो ये सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है। अब बात करते हैं ऑर्डर के बाद वाला रैंक कौन सा होता है, तो ऑर्डर के बाद वाला रैंक कौन सा होता है बच्चा जी, बता सकते हैं मुझे कोई, रैंक नंबर फाइव कौन सा है, रैंक नंबर फाइव होता है क्लास, कौन सा होता है, क्लास। तो अब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, सो मेरे साथ साथ बोलिएगा, क्लास इज एन असेंबलेज ऑफ रिलेटेड व्हाट, रिलेटेड ऑर्डर्स, रिलेटेड ऑर्डर्स, राइट। सो क्लास कंटेन वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, राइट।
इन द सेम वे इट एक्ट एज ए कॉमन एंसेस्टर फॉर ऑर्डर। सो देखिए कितना सिंपल है सब कुछ, बस आपको एक चीज याद रखनी है, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। वैसे ही क्लास इज एन एग्जांपल, इज एन एग्रीगेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स, राइट। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, राइट। एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सो एग्जांपल देखिए अब क्या है कि सबके केस में एग्जांपल नहीं भी याद रखेंगे तो कोई इशू नहीं है इतना, एनसीईआरटी में वैसे ही दिए होंगे। तो चलिए फिर भी हम आपको बता देते हैं कि जैसे जैसे कौन सा बताएं आपको, हाँ ये बता देते हैं, रोजेल्स। दो ऑर्डर है मेरे पास, क्लास की बात कर रहा हूँ पहले मैं। एक आ गया रोजेल्स, तब तक आप लिख लीजिए, पहला ऑर्डर आ गया रोजेल्स और दूसरा ऑर्डर आ गया सेपेंडेल्स। कौन सा आ गया? सेपेंडेल्स, सेपेंडेल्स, ये दो क्या है ऑर्डर। अब इन दोनों ऑर्डर का जो क्लास है, इन दोनों ऑर्डर का जो क्लास है, इन दोनों ऑर्डर का क्लास कौन सा है हमारे पास? डाइकॉटिलेनी, डाइकॉटिलेनी, ठीक है। जो डाइकॉटिलेडन्स होते हैं, बेसिकली जो डाइकॉटिलेडन्स होते हैं उनकी ये क्लास है। सो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ भी इतना ज्यादा कोई इसमें मतलब आपको कुछ मुश्किल आ रहे हैं। वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपका काम क्या है कि एनसीईआरटी में जो क्लास के आपको एग्जांपल्स दिए होंगे केवल आपको अपनी कॉपी पे लिखना है, बाकी और कुछ भी इसमें खास नहीं है, राइट। सो क्लास के बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा है? नेक्स्ट लेवल है हमारे पास फाइलम। कौन सा है? फाइलम। सो फाइलम का डेफिनेशन क्या हुआ? फाइलम इज एन असेंबलेज ऑफ रिलेटेड क्लासेस। बस यहाँ पे क्लासेस लगा दीजिए और यहाँ पे भी सारी जगह क्या लगा दीजिए? क्लासेस, क्लासेस, क्लासेस। बात समझ में आई? तो देखिए सब कुछ कितना सिंपल है, इसकी भी आप एग्जांपल अपनी किताब से लिख ले। वेरी वेरी सिंपल, एनसीईआरटी में दिया रखा होगा, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। वेरी वेरी सिंपल। वैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, आप लिख लेना। हाँ एक बात और बताना भूल गया, फाइलम वर्ड हम यूज किसके लिए करते थे? एनिमल्स के लिए। ये वर्ड एनिमल्स के लिए यूज होता है, और प्लांट्स के लिए क्या यूज होता है? डिवीजन। क्या यूज होता है? डिवीजन, ठीक। तो इसका एग्जांपल मैं आपको देख के बता देता हूँ यहाँ से। सो जैसे कि फाइलम, तो ये जितने भी एनिमल्स हमने अभी तक पढ़े हैं, जितने भी ये फेलिडे ये वगैरह वगैरह जितने भी अभी तक आए हैं, ये सारे एनिमल्स कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा एनिमल कौन से होते हैं? बेसिकली जिनमें कॉर्डेट्स होती है, स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, राइट। सो ये सारे कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेटिक फाइलम है। इन द सेम वे प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो प्लांट्स का जो डिवीजन है दैट इज स्पर्मेटोफाइटा, या स्पर्मेटोफाइटा भी बोल सकते हैं, राइट। सो वो आप अपने बुक से लिख लीजिए, वो उसमें कोई भी इतना कोई मुश्किलात आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। जो मुश्किल चीज़ें थी वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, राइट। अब जो सबसे हाईएस्ट, जो अब सबसे हाईएस्ट रैंक है या लेवल है वो क्या है? किंगडम। दिस वाज द सेवंथ, इसके पीछे सिक्स था, इट वाज द किंगडम। सो व्हाट इज किंगडम? किंगडम इज एन असेंबलेज ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम्स, राइट। फाइलम्स यहाँ पे भी क्या लिखे? फाइलम्स, यहाँ पे भी लिखे फाइलम्स, फाइलम्स। तो किंगडम आपको पता ही है, एक प्लांट किंगडम है और एक एनिमल किंगडम है। इसी तरह से दो मेजर किंगडम्स हैं। किंगडम के ऊपर हमने आपको डोमेन भी बताया था, इसमें हमने तीन बताए थे आपको, एक आर्किया बताया था, उसके बाद यूकेरियोट बताया था और प्रोकेरियोट बताया था। लेकिन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की जो मेन कैटेगरीज हैं वो सेवन ही हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं ना, आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना, वीडियो को लाइक करते हैं ना, उसमें कमेंट करते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको कमेंट तो करना चाहिए, इतना सा तो बनता है ना, राइट। सो ये हमने डिस्कस कर ली है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, और टैक्सोन के बीच में और कैटेगरी के बीच में भी हमने डिफरेंस स्टडी किया है। अब इस पॉइंट ऑफ लेवल तक आई थिंक आपको चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी होंगी कि किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया
एनिमल्स का, राइट, किस तरह से एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि टैक्सोनॉमी को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए हम कौन सी टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिनको कहा जाता है टैक्सोनॉमिकल एड्स, राइट। सो आज का वीडियो सेशन अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप इट अप।